officers, departmental representatives, everyone was present. Sabrina, Shambhu, welcome. और पहले से ही इस पाँच महीने के लिए आप सभी को मुबारकबाद देते हैं। मुख्यमंत्री रियासत जिला इंतजामिया की तरफ से आप सभी को, आपके तरफ से सभी कम्युनिटी मेंबर्स को इस पाँच मुकदस महीने का मुबारकबाद दोबारा दोहराते हैं। आप सबसे हम एक मदद चाहते हैं, इस महीने का जो अहमियत है उसको बरकरार रखेंगे और बेहतर तरीके से आपकी मदद मना पाए। अभी सब जानते हैं निज़ामबाद जिला अमन चैन के लिए मशहूर है। इस अमन चैन को हम बरकरार रखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मोहतरमा मेयर साहिब और हमारे जॉइंट कलेक्टर साहब और एडिशनल डी सी पी साहब, बाकी सभी यहाँ पर जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, आप सभी को हमारे तरफ से ये एडवाइज है। तो ये महीना है, बहुत ही पावन महीना है, इसीलिए हम सब लोग जो अरेंजमेंट्स करते आ रहे हैं जैसे पिछले सालों में कर रहे थे, इस साल भी इसे बेहतर करना है। खासकर साफ सफाई के बारे में, जैसे आप सुने होंगे साफ निज़ामाबाद, तो निज़ामाबाद को साफ रखने में अब सबकी मदद चाहिए। हुकूमत की इंतजार में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जरूर हद से बढ़कर मदद देंगे साफ रखने में। और फॉर द बेनिफिट ऑफ सम ऑफ देम आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड तेलुगु, अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवर लिटिल तकनी उर्दू है यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जहाँ ज़्यादा पड़ेंगे। जैसा बताया मैंने हाइजीन क्लीनलीनेस साफ निज़ाम बाद खासकर जो इलाके हैं जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और मास्क के साथ क्लीनलीनेस रहना चाहिए, हाइजीन रहना चाहिए। वर्शिप प्लेसेस विद ग्लव्स एंड मास्क, कोऑर्डिनेशन सेल टू बी ओपन बाई BMW माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस। और यहाँ पे शहर में थोड़ा काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, जो मेरे ख्याल से कुछ पिछले सालों में शुरू हुआ अभी भी खत्म नहीं हुआ। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, R&D, मिशन बागीदार, जो भी डिपार्टमेंट से इसमें इन्वॉल्व है, कोशिश कर रहे ज़्यादातर काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, काफ़ी तकलीफें जो हैं कम होगी, इनकन्वीनियंस कम होगी, पर फिर भी हम लोग आपसे मदद चाहते हैं। इसमें जहाँ तक हो सके कंप्लीट करेंगे, मगर थोड़ा बहुत असुविधा इनकन्वीनियंस होगी, प्लीज़ बेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन, बट हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। द कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्राफिक पुलिस, पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, R&D, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो वर्क दिए गए हैं उनको उस टाइम से इनफैक्ट ज़्यादा टीम्स लगा के पहले ही करने की कोशिश करेंगे। जो असाइन टीम्स है उसको टाइम दिया गया उससे पहले ही कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। सरकार के तरफ से, हुकूमत के तरफ से तो कल ही मिले हम लोग लगभग 14,000-15,000 जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गिफ्ट पैकेट्स कंसिस्टिंग ऑफ क्लोथ्स फॉर द फैमिली, वो भी तहसीलों में बांटी गई। तहसील के तहत वहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उनको दिया जाएगा, तहसील वाइज और असेंबली कंस्टिट्यूंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सरकार की तरफ से डायरेक्शन जो आएंगे उसके मुताबिक तो पहले ईद से पहले ही दिया जाएगा सब लोग बेनिफिशियरी। मैं दोबारा ईद की मौके पर पहले ही इन एडवांस सबको मुबारकबाद देता हूँ। अगर कोई खास इशू हो तो आपके तरफ
प्लीज रेस कर सकते हैं, इनपुट्स दे सकते हैं, बेहतर अरेंजमेंट करने में हमारे मदद। जो पॉइंट फोर प्लेस कैन बी नोटेड सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस स्पेशली ऑन रमजान वेकेशन सर, वो क्या होगा और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे किसी और को दे दे रहे, किसी और को वो दे दे रहे सर वो, और वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा हो, प्लीज कैंडली नोटेड दिस सर। जो हुकूमत अगर दे रही है वो, तो हुकूमत क्यों ही लोग देना चाहिए, जैसा कि कॉर्पोरेटर्स है, कॉर्पोरेशन ओनर्स है, बट इंस्टेड ऑफ दैट यूटिलाइजिंग एज ए पॉलिटिक्स दैट शुड नॉट बी हैपन। प्लीज नोट एंड सेकंड थिंग इज, रमजान में खाना खिला रहे सर, 10 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। आई डोंट थिंक दैट 10 लाख रुपए हमारे उसमें से, मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल से 3-4 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, और कोई गरीब नहीं खा रहा हूँ। ये खाना हुकूमत गरीबों के वास्ते दी जा रही है। मैं लास्ट टाइम देखा हूँ, गरीब मंगने वाले बेचारे मुसलमान बाहर ठहरे हुए फंक्शन हॉल के, और वो लोगों को हटा दिया जा रहा था वहाँ से, और वहाँ कोई गरीब नहीं खा रहा हूँ। हम लोग बेगर्स नहीं है सर, वी आर नॉट बेगर्स। गरीबों का गरीबों को चाहिए, तो 10 लाख रुपए अननेसेसरी गवर्नमेंट, खासतौर से जो बात बताया सर मैंने, इसके थोड़ा वर्कआउट हुआ सर, स्पेशली 10 लाख रुपए के तरफ से और क्लॉथ के तरफ से, विच इज अनऑफिशियली पीपल सर, वो लोग बांट रहे हैं सर, वो लोग गलत है। ऑफिशियल पर्सन अगर बांटे, MLA साहब अगर बांटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पोलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा सर, दैट शुड नॉट बी हैपन। आपका कॉर्पोरेटर सर देयर एंड कॉर्पोरेशन मेंबर्स आर देयर, दे शुड बी, क्योंकि लास्ट टाइम वैसे ही हुआ, हम देखे सर। प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास है, उसमें देयर इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स इन एनी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इट विल बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आर यट टू बी रिसीव्ड। जैसा आते ही उसी हिसाब से impartially, professionally, transparently, as per government directions, they will be doing that. And as far as spending money on dinner is concerned, it will also be done as per the instructions of the government, and as you said, only eligible people should be there, rather than people undeserved. So, gaur kiya jayega, aapne jo bataya. और काम के बारे में मैंने जनरली बता चुका हूँ, UGD पूरा शहर के लिए, आपने खासकर 37 डिवीजन की बात की, पूरा शहर के लिए मैंने 37 आपने बता दिया, पूरा शहर के लिए मैंने बता दिया। इन कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होंगी, ऑफिसर्स और ऑनरेबल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव भी एरिया में जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग बड़ा स्पीड बढ़ा हुआ है, इंक्रीज भी हुआ एट द सेम टाइम। We hope to complete it in time, and by putting more number of teams before time also. So lighting के लिए आज एक बार done last year, that can be done. Sir, ये तो the same style we are doing here. This is not a meeting of complaining the lot distribution or the. थोड़ा आप नाम भी बताएँ actually. Yeah, my name is Imran Shahzad. ये मीटिंग प्रिपरेशन ऑफ रमजान एक मुकद्दस महीने के अरेंजमेंट के लिए बुलाई गई, ना कि कपड़े हम बांटेंगे, कपड़े तुम बांटेंगे, विस्तार में क्या खर्चा होगा। यू हैव द RTI, यू हैव द एवरीथिंग, यू कैन डू इंडिविजुअली आउट ऑफ द मीटिंग। द मेन थिंग इज एजेंडा, वी हैव ऑल थिंग यू इंक्लूडेड, वी डोंट हैव मच चॉइसेस टू आस्क यू टू चेंज समथिंग। द टू थिंग आई वांट टू आस्क यू सर, आई वांट टू, वी हैव डिमांडेड द मंथ ऑफ रमजान, द स्लम एरियाज लाइक Vrindavan Colony and Nagaram, there is no water supply. We need a tanker to be sent every evening time and the morning time before Sahar and after the iftar. And the second important thing, the distribution of water, usually we get from 6 o'clock to 7:30, something like that. But since Ramadan is in the summer, so we are requesting you to supply the water before 4 o'clock morning and 8 o'clock after the Isha prayer. थैंक यू वेरी मच। 10 महीना गर्मी के दिन आ रहे थे, तो थोड़ा नॉर्मल टाइम से, नॉर्मल या क्लाइमेटिक कंडीशन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी होगी रोज़ा रखने वालों के लिए। तो इसको खास नज़र रखते हुए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स, वाटर सप्लाई टाइमिंग्स का बता दिया साहब ने, तो उसको भी नज़र में रखते हुए वाटर सप्लाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाटर सप्लाई सभी जगह सभी वार्डों में पूरी तरह से हो, और खासकर इस मंथ के लिए जो टाइमिंग्स बता दिया गया उसका नज़र रखते हुए वाटर सप्लाई करा दिया जाएगा। जहाँ नहीं है तो थ्रू टैंकर्स और एनी अदर मीन्स
लेकिन कल ही मेयर साहब का भी एक मीटिंग की थी इसके बारे में, रमजान के अरेंजमेंट्स के बारे में, वहाँ पे भी काफ़ी चर्चा हुई, डिसीजन भी लिए गए, वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई। सताइश है लेकिन जहाँ सलेम एरिया है, जो अमान नगर से पूरा भवन सब पानी तक जाते हैं वो पूरा सलेम एरिया है, वहाँ लाइट्स नहीं है। तो ये आजाद बाबा नगर, वेंगुल राव कॉलोनी है, सलेम एरिया है साहब, वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, वहाँ पर अगर लाइट लगा है साहब तो बेहतर होगा। और कितना काम करें, जैसा जो फोर वे पे जैसा रोड बंद हो जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, पूरे रोड जो है ना ओपन नहीं रह रहे हैं, पूरे जो सो क्लोज हो जा रहे हैं, मैनुअल खोल दे रहे हैं। तो मैं हमारे जीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो एक प्लान से काम करें, जो रोड लोगों को जाने के लिए आसानी से मिले, कोई एक रोड। और जो खड्डे जो हो जा रहे हैं बिल्कुल वैसी है, दो साल अढ़ाई साल से खड्डे साहब यूटी के जो कर रहे हैं बिल्कुल वैसे पड़े हुए हैं, उसमें स्टोरेज डाला जाए। पिछली बार मैं रमजान में बार बार कहा कि ये क्लोज करो होल, तो वहाँ पर मैं और एक बार मेहरबानी करता हूँ कि वहाँ पर जो स्टोर डस्ट डाले तो मेहरबानी होगी। उसमें बताई गई थी और उसको बंद भी किया गया, लेकिन दो खड़े वहाँ पर हैं, नमाजियों को आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, प्लीज़ मेहरबानी करके उसे बंद करवाने के आ सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि मस्जिद के पिछले हिस्से में एक बड़ी ड्रेन है जो खुली हुई है, उसमें लोग गिर रहे थे, हमने बड़े बड़े पत्थर डाले लेकिन वो पत्थर भी टूट रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उस ड्रेन को बंद करने के लिए सीमेंट के जो स्लैब जाते हैं वो डाले जाएँ, ताकि तक बहुत अच्छा है। और मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये मुकदस नहीं लेके जाना के लिए सब लोग का मीटिंग कॉल की। थैंक यू। मैं सबसे पहले आप लोगों को सुना तो मैं अपना एक मुतालबा ये रखता हूँ कि जमीयत अहलेदीस की जो मस्जिद है, वो मस्जिद का जो इलाका है वो बारिश की वजह से उसके अंदर दो मरतबे पानी आ गया। हम कई मरतबे महकमे जो उससे मुतालबा महकमे हैं उन तमाम महकमों में उसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई उसका हल आज तक नहीं निकला। वो पानी पूरे इलाके में आ जाता है और अचानक ऐसे ही अगर बारिश हो जाए, तूफान वगैरह की वजह से बारिश हो गई और पूरे मकानात में पानी आ गया, तो बड़ी ही मुश्किल होगी रमजान के दिनों में। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर खास करके नोट लें, ताकि क्या है इसका कोई हल निकल सके। पूरे वहां पर इलाके में गंदगी भी है, वो नाले तमाम नालों के ऊपर कब्जे कर लिए गए हैं और वो नाले बंद कर दिए गए हैं। लिहाजा मैं आपसे मुतालका अहदेदारों से बिलखसूस कॉर्पोरेशन से गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ का जायजा लेकर उसको हटाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो सके। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि वो क्या मालूम है कि जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले मेरे मैडम भी वहाँ आकर जायजा लिए थे, लेकिन आज तक क्या मालूम है कि उसका कोई रास्ता नहीं निकला। हमारा मुतालबा है कि वो जो पानी पूरे इलाके में भर जाता है तो उससे कोई एक डिवीजन नहीं बल्कि पूरा इलाका कई डिवीजन उसके जरिए आ जाते हैं। घरों में कम से कम क्या है घुटने बराबर तक पानी रहता है। तो लिहाजा मौसम की खराबी की वजह से अगर बारिश हो गई तो रमजान में बहुत परेशानी होगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द उस मसले का हल निकाले। तो इसको आप बारिश हुई तो बारिश में काम नहीं कर सकते, डाइवर्शन है सर, उसको डाइवर्शन देना है तो पानी का फ्लो अपने और एक सर आप जैसा की आप बताए की आप काम स्पीड के लिए बोले और थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई ये बता रहे की पेमेंट नहीं हो रहा बता रहे ये कहां तक सही है क्या है नहीं मालूम, क्योंकि बीटी रोड के हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं ये लोग ये बोल रहे हैं कि पेमेंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलरेडी फर्स्ट फेज में जो जो काम कर रहे हैं वो लोग को बिल नहीं मिला अब तक, ये वो बता रहे हैं। फिर सेकंड फेज का भी काम है, सेकंड फेज में भी बहुत काम है, जैसा कि मैनेटी एरिया में मैक्सिमम सेकंड फेज में काम लगे हुए, क्योंकि ये वो लोग यही बता रहे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं फर्स्ट फेज में जो काम कर रहे उनको बिल नहीं बता पाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के बिना, सब काम तो नाम नहीं बता सकते सब आप लोग सब जो भी सामने वही कर रहे हैं पेमेंट्स नहीं हो रहा है। रूरल एरिया अर्बन एरिया अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सकता है, छोटा मोटा माइनर लोकल एरिया के कारण कुछ डिस्ट्रक्शन हो, अगर वो भी नहीं होगा उन्होंने नोट कर लिया, खासकर आपने जो बताया टाइमिंग
जब भी इफ्तार के समय या उससे पहले हो, शहर का हो, उससे पहले तो रात में भी होते एक्टिविटी मिले। तो ये दूसरा सफाई के बारे में आपने बता दिया, मैं पहले खुद ही अपने कमेंट में बता दिया कि साफ निज़ामबाद होना चाहिए हम लोगों का। साफ निज़ामबाद का एक पर्टिकुलर डिवीज़न है पूरा शहर, इनफैक्ट मैं पूरा ज़िला का चाहता हूँ साफ निज़ामबाद। मैं खासकर इस पर ध्यान देता हूँ, दे रहा हूँ, सभी ऑफिसर्स को भी कहता रहता हूँ, लोगों को भी कहता रहता हूँ। सिर्फ लोगों का ही काम नहीं है, सिर्फ ऑफिसर का काम नहीं है, सबका काम है, जिम्मेदारी सबकी है, अपने शहर को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। हम सब भी आपने उठाया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सभी लोग इसमें आता, कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑफिसर नहीं है, खुद ही हम लोग टू सम एक्सटेंट वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम बाहर फेंकते कागज कचरा कूड़ा सभी बाहर फेंकते रहते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहते हैं, प्लास्टिक यहाँ बोलती है ज़मीन में मिलती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसका प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करिए। आप सब लोगों से गुजारिश है आपकी तरफ से सभी के लिए, जिला प्रेसिडेंट के लिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल एक मिनट बात कर सकते, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करिए और जो गार्बेज है प्लीज़ डोंट थ्रो अवे। वेट एंड ड्राई का सेपरेशन का भी है प्रोविजन सभी को दिए गए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, एरियाज में भी जा रहे हैं, टॉयलेट भी है, कलेक्शन भी हो रही है और क्लीनलीनेस होगी ज़रूर होगी, मगर आप सबसे भी गुजारिश है आपकी जैसा मदद करेंगे जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था करेंगे भी ज़रूर करेंगे। और कुछ चीज़ उन्होंने बता दिया कि बोधन रोड का खासकर वहाँ से साहब बैठे हैं बोधन रोड में उसका भी जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बारे में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पहले कुछ कम थे, आई डोंट थिंक इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, बट कुछ कमी थे। मैं आने के बाद कोऑर्डिनेशन मीटिंग सब डिपार्टमेंट के तरफ से इंक्लूडिंग R&D पब्लिक हेल्थ ट्रैफिक वालों के साथ भी, पहले ट्रैफिक इंक्लूडिंग BSNL, मैं आपको बता दूँ कि मौका है BSNL वालों को भी लेके कोऑर्डिनेशन मीटिंग मैंने शुरू किया, कॉरपोरेशन वाले भी हैं एरियाज में भी गए देखे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ डेफिनेटली, बट और डेफिनेटली करेंगे आगे भी करेंगे इम्प्रूवमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि या एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम है बारिश से पहले ही ख़त्म हो जाए ताकि डिफिकल्टी ना हो नमाजियों को या किसी और को भी जो बाशिंदा है निज़ामबाद शहर किसी को तकलीफ ना हो। और कुछ पेमेंट्स के बारे में कॉर्पोरेटर साहब ने बताया, मेरे ख्याल से किसी का कॉर्पोरेटर का नाम आपने कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताया नहीं, मगर एक सरासर गलत है कि पेमेंट नहीं हो रहा है। तो बिल आपको जब पेमेंट यहाँ पे प्रिफर किया गया था तुरंत हो गया था, इनफैक्ट आई कैन प्रूव इट विद डिटेल्स एंड फैक्ट्स, जो कह रहा है वो गलत कर रहा है। अब कृपा करके नाम दे दीजिए मुझे और बेटी को और फर्दर कोई डिफिकल्टी नहीं, वन सा बिल प्रिफर इन दिन के। और किस के बारे में बात करें, कॉर्पोरेशन वर्क या यूटिलिटी वर्क के बारे में बात करें, अब नियर 500 600 जितने भी है उसके अंदर आपसेंट तकरीबन 100-150 तो आपसेंट थे और ऑफिशियल 100 वर्कर थे और जो लेबर जो काम कर रहे वो तो साफ तो कहीं सही नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है जैसा कि रमजान का फेस्टिवल बता रहे आप वो मुबारक है और बिफोर आपने मीटिंग लेके जो एक्सप्लेन कर रहे वो तो आपका शुक्रिया। इसके अंदर रमजान में लेबर्स और थोड़े वैकेंस लगाना इसलिए ज़रूरी है कि फ्रूट और जो रोज इफ्तार के लिए जो कूड़ा जाता फेंका जाता जेब जब पर जब उठाए तो बेहतर है। सर हर साल में कॉर्पोरेशन की जानब से स्टॉप वाटर ड्रेन एंड ड्यू ट्यूबर के लिए सीट निकाला जाता, उस सीट निकालने की वजह से पानी घरों में नहीं आता, जैसे आपने फरमाया मस्जिद में पानी आ रहा, 3 साल से वो सीट नहीं निकाला गया और अप्रैल और मई तक वो सीट का टेंडर हो जाता और सीट निकाला जाता। और जल्द से जल्द अपनी यही मंथ में अगर वो टेंडर हो जाए तो ये जो प्रॉब्लम हमारे घरों में पानी आने का नहीं आएंगे। सर और एक अहम इशू ये है जो बहुत टाइम से बाद में वहीं से पवन टाकिस बोधन रोड सर वहीं से और सामने कब्रिस्तान है और करीब में मस्जिद है और वहीं से नहीं है सुबह तो बादशाह है जो उन्नर का जो बिल्डिंग है पुराना बिल्डिंग बाजू है और वहाँ बाढ़ सिस्टम से चलता और वो एक बस स्टैंड है और बस स्टैंड के पास लेडीज उतरते चढ़ते और जाने वाले और रुकते और लिहाजा वहाँ पे अगर इंसिडेंट अगर निज़ामबाद में अगर कुछ होगा तो वहाँ से होने का संदेशा दिखा है वहाँ मेरे आपसे गुजारिश है और वो वाइस को वहाँ से बर्खास्त करें। बिल्कुल कब्रिस्तान सामने है मस्जिद बिल्कुल करीब है
सर आरक्षित सर अक्सर ये देखने में आता सर महिला के जैसा कि निजामाबाद के 50 वार्ड है, मैं समझता हूँ 30-35 वार्ड में मुस्लिम 25% है, जैसे चंद्रशेखर कॉलोनी है, जैसे विनायक नगर है, दुबा है, ये जैसी चीजें हैं वहाँ पे भी मस्जिदें हैं। और सर जो अंडरग्राउंड का जो वर्क चल रहा आपने बता दिया कि इसको हम कम्प्लीट करनी है, हम आपसे गुजारिश कर रहे और रमजान में उसको और न्यू वर्क स्टार्ट ना करें, क्योंकि अभी शुरुआत को जो अंडरग्राउंड वर्क हुआ है वो जो खोल के जो 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 दादी है उससे बहुत ट्रबल हो रहा, लिहाजा हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं नया काम अभी रमजान में शुरू ना किया जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो और एक चीज सब मैं अभी लेटर दिया हूँ हमारे आदिल साहब को कि वो इसके अंदर लेटर डिस्ट्रिक्टर के नाम का 700 रुपये का और जो वाइन्स है वाइन्स का भी सुंदर लेटर है सर। और निदा आप देखो साहब आप जरा गौर कीजिए, मैं ऑफिसर से बात ये भूलना चाह रहा हूँ कि आप इससे पहले जो मैं आपको लेटर दिया था आप कभी उधर बोधन रोड अगर गुजर रहे हैं तो आप जरा गौर कीजिए आप वहाँ पर कितनी पब्लिक रहती और वहाँ पर लेटे हुए रहते बाजू और मेरे साथ के यहाँ लोग हैं यहाँ देखे होंगे। सर आपने एजेंडे में बताया सर रेलवे सिटी को तेलंगाना में टीआरएस आने के बाद रेलवे सिटी का स्टाफ तो नहीं हो रहा बहुत बेटर है और जो आप टाइमिंग देती है टाइमिंग से कंफ्यूज हो रहे कि ये डिस्टर्ब नहीं रहेगा फर्दर टाइम डिस्टर्ब होगा क्या नहीं नहीं तो लिहाजा तो कंटिन्यू रहना थोड़ा बेहतर है। ठीक है सर शुक्रिया आपने जो हमें टाइम दिया वक्त दिया खुद बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। रोका जाए आखिरी आखिरी टाइम पे रोका जाता है हमेशा, अगर दस रमजान से ही अगर ये काम शुरू किया जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका, क्योंकि थ्री व्हीलर की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है क्योंकि माइनॉरिटी का हेवी फ्रूट खरीदना या कपड़े खरीदना जो भी है वही बाजार है दूसरा नहीं है। और दूसरा बस स्टैंड में जो भोजन बस स्टैंड के अंदर जो बसेस आते हैं इससे भी वहाँ पे ट्रैफिक को प्रॉब्लम होता, बीच में खोल दिया गया था तो ट्रैफिक अस्थापल्ली से बस स्टैंड के लिए बसेस को ले जाया जा रहा था, अगर रमजान की हद तक अगर बसों का इंतजाम उधर किया जाए तो बेहतर है। तीसरी चीज मैं आपको यह बोलना चाहूँगा फिर मीटिंग होगी नहीं होगी कि दही दूध और घी सब बिल्कुल नकली बहुत ज्यादा पैमाने में बनाया जा रहा है, आपसे गुजारिश है कि हमारे इलाके के अंदर गब्बारा दूध दही की दुकान है आप उस पर धावा डाल के अगर उसका जायजा लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पिछले रमजान में बहुत सारे लोग खाके बीमार हुए थे तो आपसे हम मजबूत गुजारिश करते हैं कि ये इस मौके पर आप तवज्जो दें। दूसरा डेयरी के दूध के अंदर भी सर दूध डेयरी के दूध के अंदर भी बहुत सारे शिकायतें आई थी जिसके अंदर पानी मिला के दिया गया था पिछले रमजान के अंदर, आपसे गुजारिश है इसके ऊपर भी तवज्जो दे। और दूध डेयरी के घी के अंदर भी इसके ऊपर ट्रबल आया था कुछ शिकायतें आई थी आपसे खाए थे इस तरफ भी तवज्जो दे। और दूसरा सर रमजान किट्स के बारे में भी है उसका बेहतर इंतजाम किया जाए, पिछले बार बहुत अच्छा इंतजाम हुआ था उसकी कोई शिकायत नहीं किसी को, अलबत्ता रमजान का जो पिछले बार रोजेदारों को खाना खिलाया वो भी बेहतर इंतजाम हुआ था पिछले बार, अगर हो सकता है इंशाल्लाह इस बार भी कुछ अच्छा पैमाने पर हम करने की कोशिश करेंगे, मुझे ये मौका दिया गया इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इंजीनियरिंग मिस्टेक सर दैट वन इज द इंजीनियरिंग मिस्टेक दैट इट मेड द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैव मेड दैट मिस्टेक सर दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम वेरी मच। एक साल पहले इसका स्वरूप चेंज किया गया और आज भी आपके देख सकते हैं निजामाबाद की स्पेशल बात है वो कि ना पानी इधर बहता है ना इधर बहता है ठहरा हुआ, आप आके देख सकते हैं पूरा डिपार्टमेंट सर ये समझ में नहीं आया है ये तोड़ के बनाया क्यों गया और खासतौर पर वहाँ एक नाला था ब्रिज था वो भी तोड़ के बनाया गया उसके बावजूद ये काम नहीं हुआ, ये समझ नहीं आया क्यों स्पेशलिटी है निजामाबाद में। निजामाबाद के तालुक से जो आया सब तेलुगु व्हाट्सएप और फेसबुक में एक आदमी मर गया मर के ऊपर गया तो पैदा करने वाला पूछा कि जिंदगी भर इन्हें गलत काम करते रहा इसको क्या पनिशमेंट देंगे, तो वहाँ जो बैठे हुए वो फरिश्ते थे वो बोले कि इसको एक ही सजा देना इसका गोगल निकाल देना उसका गिलास निकाल देना और नाक पे बंधी हुई पट्टी निकाल देना निजामाबाद की रोडों पे फिर न छोड़ देना।
हमारे यहाँ हालत कुछ है तो कोई मिलता ऐसे जो करके किसी के मेहनत के तो मजाक में आ जा रहा है साहब साल तो घुमा में आप लोग थे आप लोग क्या करे आप लोग आपका जो थे हमारा जो कुछ होता है हमारे साथ काम करे हमारे घुमा काम करे यहाँ पे Even that project plan. No, sir. Make sure that engineer should be the accountable for that project. He made the mistake. We are suffering from there. That will be the inquiry and they will take action. Municipal commissioner is not here. Actually, some family member. Who is the chief engineer, sir? Who is the planning engineer? Just accountable for him, sir. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर टेंडर दिए हैं अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती है तो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी करना होता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं सभी इंजीनियर से आकर एक कुछ बातें आपके सामने रख तो मतलब साहब ये जो है ना आपने कहा कि मुकदस महीना है अलहमदुल्ला मुकदस महीना है और आपने कहा है कि शाम से खाई थी आपने लेकिन अमन को बरकरार रखी इंशाल्लाह अमन को बरकरार रखी इस बात से ये मुकदस महीना है ये पवित्र रमजान मासम इंदोल प्रत्येकि दिव्य प्रार्थन जरिए अटे इंदोल सर्व मानवाड़ी अंत ओके कुटुंब अंदर परस्पर सोदी जरिए దాని భాగంగానే తప్పకుండా ఎందుకంటే శాంతి కోసమే ఒక ప్రాణం అవతరించింది కాబట్టి తప్పకుండా శాంతిని మేము తప్పకుండా కాపాడుకోమని చెప్పి మీకు చెప్తున్నాం అయితే ప్రత్యేకించి అంటే లొకేషన్ పొందే పండుగ ఉంటుందో అది మన దాని యొక్క స్ఫూర్తిని పొందే ప్రయత్నం చేయాలి వాస్తవానికి మనం పండుగ జరుపుకుంటాం ఇది రొటీన్ వస్తుంది సంప్రదాయం ఇది ఆచారం ఇక పండుగ ముందు ప్రతి వాళ్ళు పిలవడం అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు అవసరం ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిపోతే తప్పకుండా ప్రత్యేకించి తప్పకుండా ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి మీద ప్రతి ఒక్క బాధ్యత బాధ్యతను కాబట్టి అత్యంత एजाज हासिल है कि एक उर्दू दान कलेक्टर जाने के बाद दूसरे उर्दू दान की यहाँ आमाद की हम आपको यहाँ के जो है जिले एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के ऊपर भी मुबारकबाद देते हैं तीसरी बात ये हम मुसलमानों का ये एहसास है कि उर्दू जबान जो ऑफिसर अच्छी बात करते हैं हम अपनी दिल की बात खोल के उनके सामने रखते हैं आज उसी तरह आपको भी हमारे मसाइल से आगाही हुई उम्मीद है कि आप इसको जो है बड़े जो है पॉजिटिव अंदाज में लेके चलेंगे हमारे एक रिक्वेस्ट ये है रमज़ान के महीने पर इफ्तार के मौके पर सब भाइयों ने हमारे जो है बहुत मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ आपके सामने पेश की इफ्तार के मौके पर ट्रैफिक का इंतज़ाम मसाजिद के सामने करें तो बड़ी आपकी जो है मेहरबानी होगी बहुत से मौक़ों पर हमने जो है शहर जो है एक नए शहर में नए तेलंगाना में दाखिल हो रहा है जिसके लिए आवाम को एडमिनिस्ट्रेशन को सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा जिसका नाम इतिहाद है इतिहाद हिंदुस्तान की ताकत है जिसकी बुनियाद पर आज हम सब यहाँ खड़े हुए हैं मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आपके एजेंडे में शाम के वक्त पानी के इंतज़ाम के बारे में कहा गया शहर का टाइम जो है 4 से 5 बजे का वक्फा होता है चूँकि हम मुसलमान ज़्यादा वजू के लिए भी पानी खर्च करें तो हमारा ये कुरान में हुक्म है कि अल्लाह के पास उसको जवाब देना है हम बड़ी जो है आजीज़ी से इंकसारी से हम अपने रमज़ान में आपकी सहूलतों के लिए गुजारिश गुजार हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ट्रैफिक के इंतजाम के सिलसिले में और ये मामलात में दो मामलात में भी चूंकि हमारे बहुत से कारपोरेटर ने दावत इफ्तार को पैसे वाले और गरीबों और अमीरों में बाइफरगेट कर दिया ये दावत इफ्तार केसीआर साहब रोजेदारों के लिए रखा गया है और जिस किसी को भी कपड़े दिए गए हैं वाइट कार्ड लेने के बाद ही उन लोगों को दिया गया है मैं आपसे अदबन तनकीद करने वालों से भी मशवरा देने वालों से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरी इस बात को चूंकि हम जो लोग पब्लिक में बात करते हैं वो पॉलिसी मैटर बाद में जाके तब्दील हो जाता है कहीं हमारे इस किस्म के बात करने से हुकूमत का रवैया ना तब्दील हो जाए और जो हुकूक जो मिलना है गरीबों को वो मिलने से कासिर ना रह जाए मैं आप तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कई बरसों से सेकुलर है सेकुलर ही रहेगा आप तमाम लोगों ने रमज़ान के मौके पर स्पेशल पेन लिया बकरीद के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोगों के खुशियों को दोबाला कर दिया हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी इस किस्म के ताउन के तलबगार हैं सर रमजान के मंथ की सिर्फ दो स्पेशलिटीज है सर फर्स्ट है प्रेयर सेकंड एंड लास्ट इज पुअर एंड नीडी फैमिली को सपोर्ट करना सर उस तालुक से कोई भी बात नहीं कर रहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ रमज़ान के लिए हुकूमत की जानिब से जो फंड आ रहा ना वो नीडी पुअर फैमिलीज के लिए खर्च किया जाए सर जैसा कि एग्रीकल्चर मार्केट में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो लंच का इंतजाम करे सर वो अगर रमज़ान में डिनर का करे सलाम एरियाज में तो बहुत अच्छी बात रहती सर क्योंकि ये एक ही दिन में 10 लाख खर्च हो रहे वो कोई काबिल कबूल बात नहीं है सब वो एक दिन में 10 लाख रुपए सिर्फ इफ्तारी में खर्च कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रही बात ये 10 लाख रुपए में अगर
सलम एरिया में अगर डीलर का एहतमाम करे प्रफुल्ल मन और ये डीलर का और सर ये जो रमजान सर गर्मी में आ रहा है सर ये थोड़ा आइस डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर करो सर बहुत हम्बल है आज से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँ सलम एरिया में आइस डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर थोड़ा हम आइस डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत अच्छा रहता सर अभी एल एन जी इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रमजान में रंजन डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुशी हुई सर तो रमजान में अगर आइस डिस्ट्रीब्यूट सेंटर अगर वहाँ पर लगाए तो बहुत अच्छा रहता सर आपकी तरफ से अगर थोड़ा और सर तीसरा ये माइनॉरिटी एरिया में कुत्ते बहुत हो गए सर बहुत परेशानी हो रही है बलिया वालों से कंप्लेंट करें भी तो कुत्तों का मसला हल नहीं कर रहे अरे वन वीक पहले बच्चे को बच्चा ये हुआ ऑनर मेंबर केआरएस भाई केसीआर साहब के साथ 24 अप्रैल 2001 से काम कर रहा हूँ केआरएस पार्टी में 18 साल से ये जो एजेंडा आप बुलाए रूटीन मीटिंग के लिए किसी के शुक्रिया की शुक्रगुजार की या कोई भी नहीं है रमजान बकरीद गणेश होली हर दीवार पे दीपावली हर दीवारों को मीटिंग गवर्नमेंट की तरफ से बुलाते हैं आप भी बुलाए हैं ये रूटीन मीटिंग है मैं ये एक्ट का जो एजेंडा है उस पर कोई डिस्कस करना नहीं चाहता क्यों ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इलेक्ट्रिसिटी से ताल्लुक है उसके जिम्मेदार नेर साहबा बैठे रहे यहाँ उनको मालूम है कैसा करना हर साल हर कलेक्टर साहब यहाँ मीटिंग बुलाते कारपोरेटरों की जिम्मेदारी है अपने वार्ड में फिरे 12-1 बजे तक सोना नहीं दोपहर के बाद फिर सो जाना फिर शाम को उठना काम नहीं हो रहा पड़ना ये नहीं उनकी जिम्मेदारी है हम उनसे और एक बात मीटिंग शुरू होने से पहले जो साहब धोनी जो करे वो खिलाफ में करे क्या के 10 लाख रुपए खा ले रहे दे अब के जिम्मेदार उनको तो पूरा काम करना हम भागे बढ़ेंगे ये भोकर हते 850 करोड़ के निजामबाद में खर्च हो रहे पब्लिक क्या बोल रही हमारे जन्म आ रहा है आप भी सोनों को जा रहे गुत्तेदारों क्या ये जन्म क्या भी भोकर हते जो झाड़ को फल लगते उसको पत्थर मारते एक बात दूसरी बात हमारे साहब अखबार वाले साहब बोल रहे के यहाँ पर कविता मैडम दवाखाने में खिला रहे भोजन में खिला रहे होटल का और भी बढ़ाने वाले ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि रमजान में हर जिले को 10-10 लाख रुपए देकर इफ्तार पार्टी करना गरीब अमीर मीडियम नहीं ओनली इफ्तार पार्टी उपवासम जो करे उनको खिलाने का गवर्नमेंट की पॉलिसी में अपन यहाँ बोल के आप अमल कर सकते नहीं उन लोग नहीं कर सकते वहां से जो सरकारी हुकुम होगा उसी पे काम होगा ये किसी को पावर नहीं अब राजभवन एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि वही के ऊपर बात करी मैं जनरल टॉपिक करके 2 मिनट बैठ जाऊ एक्साइज डिपार्टमेंट निजामबाद है क्या तो वहां तो बोलते है ही नहीं ईदों को 2 दिन पहले एडवांस माल आ जाता और रमजान में वही वो है कि क्या कई जगह भक्तानों के पास वहाँ मंदिरों के पास मस्जिद के पास और देवी देवताओं के नाम पे वही गैर कानूनी काम दुकानों के नाम कैसा परमिशन दे रहे साहब श्री वेंकटेश्वर वही साहब जो पूजा करते लक्ष्मी सरस्वती वही साहब मेरा यह अध्यक्षन है देवी देवताओं के नाम पे नहीं देना था अच्छा ये हो गया जानो था एक मिनट पानी लाइट होते रहता दूसरी बात अब जाए काम चल रहा है स्पेशल 1 महीने का इंतजाम करना है मैं कारपोरेटर को पूछा अरे क्या था ये रोड पे काम नहीं हो रहा ये रोड पे नहीं वो गली में क्या करना भाई दो दो आदमी है वार्ड में तो मेरी आपसे गुजारिश क्या है कि स्पेशल 100-200 आदमी को टेम्पररी 1 महीने के वास्ते अपार्टमेंट करो इससे पहले के योगी तराना साहब वो चुमटो साहब ये सब करे स्पेशल आपसे भी गुजारिश है एक टेम्पररी 100-150 लेबर लगा के 1 महीने बाद पर काम तो स्पेशल काम हो सकता और पानी के जो पाइपलाइन के काम चल रहे हैं वहाँ पानी बंद है सलम इलाकों में आटू नगर में सीएम रोड पे और दूसरे भी इलाकों में स्पेशल टैंकर लगा के
घुटाला पानी सप्लाई कीजिए, साफ सफाई के लिए लेबर लगाइए, और जो काम हो रहा निजाम सरकार 100 साल पहले निजाम सागर बनाए अभी भी नया है, 400 साल पहले चार मीनार बनाए अभी भी नया है, कल बना तो गोदन रोड, डामोर रोड, हैदराबाद रोड, नाला बिल बने तक नाले टूट जा रहे। ये विलेज क्या कर रहा, ये स्पेशल ऑफिसर है क्या देख रहे, पानी जा रहा नहीं जा रहा, ये कौन बनाना गुजर रहा, उसको विराट बीच में करो, इसको अंडर टेंडर में काल नहीं करना, पैसा केसीआर साहब करोड़ रुपए दे रहे, अच्छा काम करो बोलिए, आप सारे जिले के जिम्मेदार है, आप हर जगह नहीं बिक सकते, आपके सबॉर्डिनेट जो है हर ऑफिसर उनको हुक्म जारी करके सारा दिन की रिपोर्ट उनके सामने देना, पानी जा रहा नहीं जा रहा, कच्चा बन रहा नहीं बन रहा, पत्थर बराबर लगा नहीं, रूस में क्या है, 8 टोकरे क्या रेती, 6 टोकरे कंकर, 2 टोकरे सीमेंट, इन्हों 15-20 धैले सीमेंट रेती, 3 धैले कंकर, 1 धैला का सीमेंट मार देंगे, जितनी दालत दुला पूछते हैं मैं दवा अस्तन दाल देते, अरे क्या इंतजार नहीं रहा, अर्जेंट काम करता है, मिल नहीं रहा तक वो नानी दुनिया की लारा फल के बोलने लगते हैं, नकली कुछ दारा मना है, ये क्या है सब तमाशा, पास राजूला पैसा राम लापाल पैसा हो जा रहा साहब, वंश रिकवर तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कहीं सही काम करो, नाम होता था और ये साल बनाए तो नाली एक 10 साल तो है ना, 10 महीने नहीं रह रही डामो रोड जा रहे, उसका परसेंटेज जिसको मालूम है, पानी पड़ते ही कंकरे निकल जाते, कितने ही डाला बिजनेस का सही नहीं किया उसके ऊपर, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ इस चीज पे निगाह रखो, सही पैसा दो, पैसा आके बड़े बड़े गवर्नमेंट ने 100 करोड़ इससे पहले 100 करोड़ क्या वो काम हो रहा नहीं हो रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं और कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं है, अपने सारे सहूलतें से आराधना करना और सारे जो है त्यौहार में जैसा सहूलत देती है पूरी गवर्नमेंट और रमजान में भी वैसी, और तिरुमला बैकफेट में एक बहुत बड़ा ड्रेन है वो सफाई 2-3 साल से रहवा था वो साफ हो गया, तो हमारे 2 डिवीजन का जो है गंदगी वहाँ से जाएगी, वो गंदगी वही चुकी हुई है रमजान आने के टाइम पे, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, और सर रमजान अब जो रमजान में आखिरी दहा में सर मैं चाहूँगा कि एक मीटिंग द्वारा अपने लेवल से कॉर्पोरेशन लेवल से मीटिंग जो आपका हिंदी लेवल है अंदर अधिकार मीटिंग बैठा वाले प्रॉब्लम ये चेता रहा है टाइम को और मैं तो मेरा कंप्लीट किया कि टाइम पर के सारे होल अंदर मीटिंग मालूम कर रहे हैं जहाँ पे बैटरी चार्ज से हुए तो मेरी प्रॉब्लम हमारा रजिस्टर हमें थोड़ा कारण की बजाय माला के लिए साहब आपसे रिक्वेस्ट है से ये 6 रोड 15 बार क्योंकि बहुत ज्यादा नजर है।